नमस्कार अपडेट थ्री न्यूज को स्वागत करुच्छ बापी खबर आरंभ करवा टॉप हेडलाइंस रु। मेलबोर्न में चमकिला टीम इंडिया 230 रे ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया सीरीज हातेबा लक्ष्य रे टीम इंडिया। राज्य कांग्रेस को बड़ झटका जनक पर जड़े हेवीवेट नेता छाड़ुछंती दल नवदास जोगेश परे एबे जयश्री देले इस्तफा। पुणि ब्यान हला सिटी मेडिसिन बेआईन भावे 15 वर्ष धरी चालुथला ही मेडिसिन केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर जारी हला निर्देशनामा। डोरा सचा राम रहीम को आजीवन जेल दंड सांबादिक हत्या मामलें आजीवन जेल दंड शुणाइले कोर्ट। 2002 सांबादिक रामचंद्र छत्रपति गुली करके हत्या करते पुणि सारा राज्य में शीतर लहरी अस्तव्यस्त है जीवन कोड़ी जाए हेने अनुमान कला पाणीपाग विभाग। एवं संपूर्ण खबर अतीतर जो कांग्रेस नेतृत्व सह एक दशंधि धरी भितरी बुझामणा कर बीजेडी ओडिशार निजर शासन गादी को सुदृढ़ करेस को दुर्बल करवा लगी बीजेडी निर्वाचन आ मात्र हाथगणती दिन बाकी रही बेले कांग्रेस जनक पर जन विधायक बीजेडी को डेईबारे गोड़ टेक बस तेरे से आज ओडिशा कांग्रेस को मिली आउ एक झटका। प्रदेश महिला कांग्रेस कमिटी उपसभानेत्री और प्रदेश कांग्रेस सभा पदवर इस्तफा देते जयश्री पट्टनायक। पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक एआईसीसी ऑफिस और राहुल गांधी ऑफिस को से इस्तफा पत्र पठाई गत तीन दशंधि धरी जयश्री और तर बेगुनिया बोलगड़ निर्वाचन मंडल पर कार्य करते अवहेला नहीं से अभियोग आनी तेज पीसीसी सभापति किंवा कौन कांग्रेस नेता प्रतिक्रिया मिल पारिना तेज सूचना जगे जे बुधवार झारसुगुड़ा विधायक नव कांग्रेस दल इस्तफा देते से पीसीसी कार्यकारी सभापति और दलर प्राथमिक सदस्य पदर इस्तफा देते से खूब शीघ्र विधायक पदर भी इस्तफा देवे सूचना मिली तेज जनवरी 24 तारीख में से बीजेडी में जोगदे। अंपक्षे गत काली सुंदरगढ़ विधायक जोगेश सिंह को कांग्रेस निलंबन कर दल विरोधी कार्यपाई निलंबन कर। सत्यवादी बलरामपुर गड़ पंचस्थका उच्च विद्यालय रौप्य जयंती उत्सव अनुष्ठित उत्सव में स्थानीय विधायक उमाकांत सामंतराय मुख्य अतिथि भाव में जोगद आनुष्ठानिक भाव में उद्घाटन करते। अवसर में पुरातन छात्र छात्री समाजसेवी बुद्धिजीवी कलाकार कवि लेखक और सांबादिक अनुष्ठान पक्ष संबर्धित कर पिपिलीर मंगलपुर पंचायत कार्यालय आज पिठा योजना कार्यक्रम अनुष्ठित हो कार्यक्रम में सरकार जनहितकारी योजना संपर्क में जनसाधारण को अवगत कराइबा सहित जो मैंने जनहितकारी योजन वंचित अच्छा से नाम को तालिकाभुक्त करा सहित योग्य बेचित हिताधिकारी राशन कार्ड बार्धक्य विधवा भत्ता पक्कागृह कार्यादेश प्रदान कर अवसर में पारंपरिक लोककला मध्यम सरकार जनहितकारी योजना संपर्क में सचेतन करा कार्यक्रम में स्थानीय विधायक प्रदीप महारथी पंचायत बासिंदा सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि उपस्थित रही है। ओटीटी प्रश्नपत्र प्रघट घटना को नहीं विभिन्न महल में तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई यार प्रतिवाद में गुरुवार पूर्वाह्न में एबीवीपी बाणपुर बालुगा नगर शाखा तरफ स्थानीय गोदावरी महाविद्यालय बाणपुर मुख्य फाटक सम्मुखें विक्षोभ कर संगठन पक्षर् मंत्री समेत बोर्ड सभापति इस्तफा दावी कर प्रश्नपत्र प्रघट फल राज्यव्यापी 250 केन्द्र में अनुषित परीक्षा को बातिल कर 1,12,770 परीक्षार्थी निराश हो फेरी परीक्षा परिचालन में अनेक थर अनियमितता देखाई राज्य सरकार यह घटनार निरपेक्ष तदंत करने को संगठन पक्षर दावी करा दी। उक्त विक्षोभ में एबीवीपी बाणपुर बालुगा नगर संपादक विकास कुमार सेठी सह संपादक महेश लेंका सह संपादक सुनील बारिक प्रमुख उपस्थित थे। हेडलाइंस ओडिशार महाप्रभाव दिव्यांग भाई पीड़िता भौणी पड़ी प्रशासन सुख दृष्टि एने खबर प्रसारण पर प्रशासन बढ़ाई सहायतार हाथ प्रशासनिक स्तर में आरंभ हो प्रक्रिया जहाँक नहीं खुशी जाहिर करने सहित हेडलाइंस ओडिशा को धन्यवाद जनाई नवापड़ा जिला बोडेन ब्लॉक कलाकोट पंचायत सर्गीमुंडा गांव गौतम और देवंती बेहरा सर्गीमुंडा ग्रामर देवंती बेहरा और गौतम बेहरा 10 वर्ष तले माँ छाड़ी आरपारी को चली जाते माँ को वियोग पर बापा गजराज बेहरा द्वितीय बहुत कर दुई भाई भौणी को छाड़ चली जाते तेज गौतम ड्राइसाइकल बुली बुली भिक्षावृत्ति कर भौणी सह गुजराण मेटाते सरकारी सहायता किसी नाला तेज हेडलाइंस ओडिशा चैनल खबर प्रसारण पर एवं सहायतार हाथ बढ़ाई प्रशासन। हमको घर मिलला मोर भाई के टाँह 500 मिलला चाउल कार्ड मिलला और हमें चिकित्सा लगे 20,000 टाँह मिलला सरकार के हमारे दुखर कथा जोड़ा रखा हमको खूब सहायता कले हेडलाइंस ओडिशा के मोर धन्यवाद नमस्कार।
धन्यवाद धन्यवाद भत्ता 500 मिलला राशन कार्ड मिलला घर में चिकित्सा करवाल पैसा देने घर मिलला सरकार सब सुनले अमर कटा के हेडलाइन कटा आरु हेडलाइट ओडिसा के बहुत बहुत नमस्कार आसवा परवर्ती बड़ खबर को कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी रे अष्टम श्रेणी छात्री प्रसव को नहीं गतकाले बीजेपी और कंधमाल अभियान पक्षर बंद डाकरा 24 घंटा नपुरुणु पुणि एक 9 वर्षर नाबालिका को 16 वर्षर दशम श्रेणी छात्र दर्शन करथिबा डुमुडी बंद थाना रे अभियोग होई जोर अवस्था संकटापन हेबारु फुलपाणी मुख्य डाक्तरखाना को नाबालिका को पठाई देथिबा थाना अधिकारी कहिछन्ति तेबे कंधमाल रे थमु नहि नाबालिका मानक उपर अत्याचार ए वर्षक मध्य रे जिलार प्राय 7 रु अधिक नाबालिका को अत्याचार होइथिबा जणा पडिछि तेबे जिला प्रशासन निरपद्रष्टा साजिथिबा बळे पुलिस आइन कानून एठी स्थान पलटि जैथिबा अभिजोग करिछन्ति स्थानीय लोके नुआपड़ा जिला पोथरा जंको जलसेचन प्रकल्पर उपरमुंड जोगेश्वर मंच चाषी माने जीरो हेड रु पानी छड़ा जीवा सह शीर्ष कमिटी सभापति एवं विभाग एसडीओ विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान दाबी नहीं आज को 16 दिन धारणा में बसी उक्त धारणा में 4 गोटी पंचायतर 7000 ऊर्ध चाषी धारणा देखा बेले आज 4 गोटी पंचायतर समस्त व्यापार स्थल बंद रही बेले समस्त स्कूल छात्र छात्री मैंने स्कूल बातिल कर धारणा में सामिल होती चाषी मैंने निजर दाबी गुड़िक पूरण न होगा जाए शांतिपूर्ण धारणा अनिर्दिष्ट काल जारी रखार जिद धरी आमे आज विगत 25 डिसेम्बर नु नहीं कर आज 7 जनवरी 2019 पर्यंत जोगेश्वर कृषक मंच का आह्वान रे जिला प्रशासन का विरोध रे आज गणधारणा देछु आमर मुख्य दाबी हैला विगत आमे 95 मसीह नु नहीं कर 2002 नु पानी पंचायत गठन होगा सत्ते 2011 पर्यंत कंटिन्यू आमर पतरा डैम रो हेड एरिया को पानी दे आसुछि एवं 2012 रे एटा गोटे राजनीति चक्रांत होकरी आमको 2012 रे वंचित कराइला बर्तमान आम चाहूँ पोतरा डैम रबी चाषपाई जीरो हेड रु पा छड़ जाऊ विगत 25 डिसेम्बर रु आज 7 जनवरी पर्यंत आम आंदोलन में बसीछू पे अभिभावक मैंने पिला पठे ना सेमती किसी पचारे कि पाने तो आसिले मैंने टोटाल पिला आम शुणु जहाँ पानी पंचायत रिमती कौन गोटे कार्यक्रम रही को कार्यक्रम कहीपर कि कार्यक्रम पे आस स्कूल पे स्कूल को आसीना हे तो बाटर कुआ जाए कि नहीं मुख्यमंत्री द्वितीय पर्यायर पिठा योजना को राज्य संयोजक उषाराणी दास और विडीओ मधुरन बेहरा असरल शुभारंभ कर खोर्धा जिला बोलगड़ ब्लक्र 19 पंचायत मध्य बोलगड़ गेड़ियापल्ली पंचायत यह योजन शुभारंभ हो द्वितीय पर्यायर यह 5 पंचायत आम गांव विकास मध्यम पिठा योजनार उद्देश्य लोक संपर्क सचेतन सभा विभिन्न स्टल प्रदर्शन कर ग्रामांचल लोक सचेतन और सामाजिक अर्थनैतिक क्षेत्र में महिला मानक आगक नेबाकु राज्य सरकार प्रयास जारी रखिंटी मुख्य अतिथि श्रीमती उषाराणी प्रकाश कर खोर्धा जिला टांगी वन्यप्राणी रेंज अधीन अभिमानपुर रिंग बंध निकटर दुई मृत पक्षी शिकारी गिरफ्त होती आज सका 6 समय उज्ज्वला गोपीनाथपुर गाँव रंगनाथ बल को पुओ नव बल को दुईट मृत पक्षी मारी फेरुवा बेले पेट्रोलींग करुवा फरेस्ट गार्ड शिवप्रसाद पलाई काबू करते चिलिकार चलित मार्च 5 तारिखर शताधिक मृत पक्षी जबत घटना मन लिभिनाई तेज बारंबार पक्षी शिकार मैंने वन्यप्राणी विभाग कर्मचारी को हाथ गुंजा दे एक कार्य करुवा पक्षीप्रेमी महल में आलोचना होपर आज सका 6 समय पक्षी और पक्षी शिकारी को गिरफ्तार बेले गणमाध्यम प्रतिनिधि को अपराह 4 समय खबर परेशन लगी अवगत कराइवा विभाग अधिकारी कार्य को नहीं सन्देह सृष्टि कर गंजाम जिला ब्रह्मपुर में डॉक्टर सुनील कुमार कोटा एक अभिनय प्रयास जहाँ एक प्रशंसनीय गणमाध्यम को देशर चतुर्थ स्तंभ कहते सुधा सरकार से कौन प्रकार सुविधा करना जहाँफल गणमाध्यम महल में असंतुष्ट देखाई सरकार गणमाध्यम जो हेल्थ कार्ड करचल बोली गणमाध्यम महल में प्रकाश पाई तेरे गणमाध्यम मैंने दिनराती समाज विभिन्न समस्यामूलक कार्य को टीवी और पेपर द्वारा सरकार को अवगत कराई जहाँफल से समय अभाव निजर स्वास्थ्य प्रति अवहेला करके आखि आगे रखी ब्रह्मपुर प्रेस क्लब साहय सुनील कुमार कोटा रोलांडो फार्मासी कॉलेज प्रांगण में सांबादिक 10 गोटी परीक्षा करते जथा आखि ब्लड प्रेसर ब्लड सुगार थायरएड स्नायु बॉडी चर्बी किडनी एपरी अनेक हेल्थ परीक्षा प्राय 100 रु 130 सांबादिक मागणे करते तेज एथ गणमाध्यम तरफ डॉक्टर सुनील कुमार कोटा को धन्यवाद जनाइला
ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍ଅପ୍ ଅନୁସାରେ ଏକ 10ଟି ପରୀକ୍ଷାର ଆମେ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 72 ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ଥାଇରଏଡ଼, ଆଖି, ସ୍ନାୟୁ, ବୃକ, ତା ଛଡ଼ା ବଡି ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଥବା ବଡ଼ିର ଚର୍ବି ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ପ୍ରାୟ 100-130 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମ ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ବୋଲି। ଆଜି ଆମର ଏଠି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା, ସେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ନିଦାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଇବେଟିସ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀଲାଲ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଛତ୍ରପୁର ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ବିଜରେଶ କୁମାର ରାୟ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛଦି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ନୀଳକଣ୍ଠନଗରଠାରେ ଥିବା 37ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଉତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା ସହ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନିଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ହିଁ ଶିକ୍ଷା, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ନୂତନଠୁ ଏକାଠି ହେଲେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ଏଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ମରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଓ ହଂସ ବାହିନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। You can do whatever you like, because you are just directly the sons and daughters of Lord Prabhu Jagannath. So what he possesses, I mean Lord Jagannatha is God, you have also got those qualities in you, jo usme hai wo tumme bhi, isliye you can achieve whatever you like. Ye message Odisha ke bachpan ko, Odisha ke bacche bachche ko hum ghum phir kar dena chahte। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମିଳିତ ଜନଶୁଣାଣୀ ଶିବିର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରରେ 44 ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜି କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭତ୍ତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଝଙ୍ଗ ଥାନା ତେପ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବଜାର ଛକ ନିକଟରେ ଦଳିତ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 29 ଦିନ ପରଝଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦଳିତ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ସଦାଶିବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 30 ଦିନ ପରଝଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଏନେଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରଝଙ୍ଗ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ପୁନଃପ୍ରତି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନୂର୍ଚ୍ଚନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଗ୍ରାମର ଶହଶହ ମହିଳା ନିକଟସ୍ଥ ବିରୂପା ନଦୀରୁ କଳସରେ ଜଳ ଧାରଣ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସାଇବାବା ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ଜଳ ଜଳାଧିବେଶ, କ୍ଷୀରାଧିବେଶ ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ପ୍ରାଚୀନ ଏହି ଶୈବ ମନ୍ଦିର ସମୟକ୍ରମେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହେତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଦେବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସଦ୍ଭାବନା, ଭାଇଚାରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।